इस वाले वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ नेक बैंड फ्रॉम 699 टू 2199 रुपीज़। बेसिकली इस वीडियो में मैंने कवर किया है मीवी कॉलर D25, मीवी कॉलर क्लासिक प्रो, वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी बेज एडिशन एंड रियलमी बड्स वायरलेस 2। और सारे नेकबैंड आप परचेस कर सकते हो फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट के ऊपर सारे नेकबैंड जो है वो अवेलेबल है। और बात करें अगर इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैंने 5 पॉइंट कवर किए। सबसे पहले डिज़ाइन, बिल्ड एंड कम्फर्ट। उसके बाद मैंने कवर किया है कॉल क्वालिटी और शुड आई से माइक क्वालिटी। नंबर 3 बैटरी। नंबर 4 साउंड क्वालिटी। एंड लास्ट में सारे फीचर्स के बारे में मैंने बात की है। सो इस वीडियो का एंड तक आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाओगे कौन सा नेकबैंड आपको परचेस करना चाहिए और प्राइस पॉइंट को क्या ये सारे नेकबैंड जस्टिस करते हैं या नहीं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, क्योंकि यहां पर आपको ऐसा ही कंटेंट देखने को मिलता है। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी, ये वाला जो नेकबैंड है वो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है एंड इजी टू कैरी हो जाता है। बिकॉज इस नेकबैंड को आप कुछ इस तरह से फोल्ड करके भी कैरी कर सकते हो। बाकी कंफर्ट वाइज सारे नेकबैंड सही है एंड सारे नेकबैंड का लुक आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी आपको मैं कहना चाहती हूँ, बिल्ड क्वालिटी में रियलमी एंड जी में तो ऑब्वियसली बड़ी कमाल की मिलती है। कॉलर D25 की बिल्ड क्वालिटी भी सही है कंसिडरिंग प्राइस पॉइंट, लेकिन ये थोड़ा पहनने में कंफर्टेबल नहीं है। मैं नेकबैंड की बात कर रही हूँ। बाकी ईयर टिप्स की अगर फिटिंग के बारे में बात करें, तो सारे ईयरबड्स के फिटिंग जो है वो बड़े ही कमाल के यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सारे नेकबैंड के ईयर टिप्स जो है वो एक दूसरे से कुछ इस तरह से मैग्नेटिकली अटैच होते हैं, लेकिन मीवी वाले दोनों में आपको ऑन और ऑफ की फंक्शनैलिटी देखने को नहीं मिलती है। मैन्युअली आपको यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का बटन मिलता है, उससे आपको जो है वो ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है। बाकी वन प्लस और रियलमी के अंदर आपको ऑन और ऑफ फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है ईयर टिप्स के अंदर। IPX रेटिंग मिल जाती है सारे नेकबैंड के अंदर। So all earphones are splash and dust proof and सारे earphones आते हैं dual connectivity option के साथ। और यहाँ पर अब मैंने कनेक्ट कर लिया है मीवी कॉलर D25 और यहाँ पर वीडियो प्ले हो रही है और AC ऑन है, तो इससे भी आपको अंदाजा आ जाएगा इसके अंदर आपको माइक क्वालिटी कैसी देखने मिलने वाली है। अब यहाँ पर मैंने पहन लिए है मीवी कॉलर क्लासिक प्रो और यहाँ पर सेम सिनेरियो है, यहाँ पर वीडियो प्ले हो रहा है और यहाँ पर बैकग्राउंड में AC भी ऑन है, तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा इसके अंदर आपको माइक क्वालिटी कैसे मिलने वाली है। बारी आती है रियलमी बड्स की, तो रियलमी बड्स को मैंने यहाँ पर पहन दिया है और एक वीडियो प्ले हो रहा है और साथ में यहाँ पर AC भी ऑन है और आप लोग देख सकते हो इसके साथ आपको कैसा माइक क्वालिटी देखने को मिलता है। क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है वो माइक क्वालिटी इसके अंदर अच्छी होनी चाहिए प्राइस को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर फीचर्स भी इन्होंने जो है वो ज़्यादा डाले हैं। तो देखते हैं, अब मुझे भी एडिटिंग करते टाइम पता चलेगा इसके साथ कैसा माइक का आउटपुट मिला है। अब बारी आती है यहाँ पर वन प्लस बुलेट जी, यहाँ पर सेम सारी चीज़ें हैं, वीडियो प्ले हो रहा है, AC ऑन है और यहाँ पर इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इसके अंदर भी आपको माइक क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है। रियलमी से अच्छी मिलती है, मीवी से अच्छी मिलती है या फिर एवरेज मिलती है। बाकी सारे नेकबैंड की फिटिंग सही है, इन ईयर फिटिंग की बात करूँ फिटिंग सही है और सारे नेकबैंड के अंदर आपको नॉइज कैंसिलेशन भी सही से मिलता है। आगे बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। रियलमी बड्स वन प्लस एंड मीवी D25 कम्स विद क्विक चार्जिंग सपोर्ट, मतलब कि अगर आप इन ईयरफोन्स को 10 मिनट के लिए चार्ज करते हो तो आपको किसी में 10 आवर्स का और किसी में 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। ओवरऑल सारे नेकबैंड में आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है एंड ऑल नेकबैंड कम्स विद टाइप सी इंटरफेस टू चार्ज। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बैटरी के बारे में बताऊँ, तो सारे नेकबैंड के अंदर आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलता है। अब फीचर्स के बारे में बात की जाए, तो ऑब्वियसली आपको रियलमी बड्स के अंदर ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली। रियलमी के अंदर आपको रियलमी लिंक ऐप का फीचर मिलता है,
बेसिकली ऐप को यूज़ करके आपको और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इन बर्ड्स को यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर आपको एक ANC बटन भी मिलता है जिससे यूज़ करके आप जो है वो गेम मोड में भी स्विच कर सकते हो। सबसे बड़ा मेन फैक्टर जो है वो साउंड क्वालिटी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ रियलमी बर्ड्स के साथ, क्योंकि इसके प्राइस जो है वो ज़्यादा है इन सारे ब्लूटूथ ईयरफोन से। सबसे पहले साउंड क्वालिटी की अगर बात करें हम लोग रियलमी बर्ड्स के अंदर, साउंड क्वालिटी में रियलमी बट सही में प्राइस को जस्टिस करते हुए बहुत ही कमाल की है। मतलब आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद साउंड क्वालिटी ऑफ रियलमी बर्ड्स। मिड्स, हाइज, ट्रेबल्स, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पर एकदम बैलेंस है इस डिवाइस के अंदर। एंड उसके बाद नंबर 2 पे मैं रखना चाहती हूँ मीवी कॉलर क्लासिक प्रो को, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्राइस को देखते हुए इसके अंदर साउंड क्वालिटी आपको वन प्लस वाले से भी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। वन प्लस को मैं जो है वो 3rd नंबर पे रखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वन प्लस लॉन्ग टर्म यूज़ में आपको जो है वो थोड़ा सा दिक्कत देने लगता है। कई बार जो है वो एक साइड का बचता है एक साइड का नहीं बचता है, कुछ इस तरह से वन प्लस के अंदर मुझे जो है वो इशू फेस करना पड़ा है। एंड लास्ट में आते हैं हम मीवी D25। मीवी D25 में बहुत ही एवरेज साउंड क्वालिटी मिलती है। एंड मीवी के दोनों नेकबैंड के ऊपर डिटेल में वीडियो किया है मैंने, आप चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो। मैंने वहाँ पर डिटेल में बात कर रही है मीवी के दोनों ही ड्यूपोर्ट्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं कहना चाहती हूँ अगर आपका मेन प्रेफरेंस हो साउंड क्वालिटी और बजट का कोई इशू ना हो तो आप ऑब्वियसली आँख बंद करके रियलमी बर्ड्स जो है वो परचेस कर सकते हो। लेकिन बजट का थोड़ा इशू है तो मैं कहना चाहती हूँ आपको परचेस करना चाहिए मीवी कॉलर क्लासिक प्रो। सो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। सो यहाँ पर मैं नंबर 1 पे ऑब्वियसली रखना चाहती हूँ प्राइस पॉइंट को जस्टिस करते हुए रियलमी बर्ड्स। नंबर 2 पे मैं रखना चाहती हूँ मीवी कॉलर क्लासिक प्रो। नंबर 3 पे वन प्लस। एंड नंबर 4 पे मीवी कॉलर D25। मीवी कॉलर D25 बहुत ही बजट फ्रेंडली डिवाइस है। यहाँ पर आपका बजट बहुत ही कम हो और साउंड क्वालिटी वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ता हो, चल जाता है आपको जैसा भी साउंड आए, तो आप ऑब्वियसली परचेस कर सकते हो मीवी कॉलर D25। लेकिन बजट का कोई इशू ना हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई नेकबैंड लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली आँख बंद करके आपको परचेस करना चाहिए रियलमी बर्ड। तो इस वीडियो में मैंने कॉल क्वालिटी, माइक क्वालिटी वगैरह भी आपको बता दिया, साउंड के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया और डिज़ाइन वगैरह भी आप लोगों ने देख लिया। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इन ब्लूटूथ नेकबैंड में से। अगर आपको कोई एक परचेस करना हो तो आप डेफिनेटली पिक कर पाओगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।